वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक सामान अथवा सेवाओं का विभागों के बीच में हस्तांतरण या ट्रांसफर से संबंधित है, जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट है। प्रायः क्वेश्चन में हम पाते हैं कि आपस में डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच में सामानों का या सेवाओं का ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो आराम तलवी लोगों के लिए है, लग्जूरियस स्टोर है। इतना ही नहीं, लग्जरी का कोई लिमिट नहीं रहता है। कोई भी आदमी अपना पूरा लिस्ट सामान का लेकर के जाता है और किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा करके बैठ जाता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर के उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस लिस्ट के सभी सामानों को उसी स्टोर में ला करके, उसी दुकान में ला करके उसको उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं कारणों से एक स्टोर के कस्टमर के सामानों को दूसरे स्टोर से, दूसरे स्टोर के सामानों को इस स्टोर से या और किसी स्टोर से लाने, ले जाने या ट्रांसफर की स्थिति बनती रहती है। इन्हीं कारणों से इसके अकाउंटिंग की जरूरत है। अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। एक तो एट कॉस्ट वैल्यू से आपस में डिपार्टमेंट के बीच में सामानों का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, या दूसरा है कि एट सेलिंग प्राइस के रेट से ट्रांसफर होता है। दोनों के कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होती है, इसकी विस्तार से जानकारी हम इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम इन सब की जानकारी आपके सामने में रखेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि अभी हम बतलाए, जबकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, अपने ही डिपार्टमेंटल स्टोर के दूसरे डिपार्टमेंट को अपने सामानों का या सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर करती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर वहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट के कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने के लिए वह किसी और डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के ही किसी और डिपार्टमेंट से सामान को ला सकता है या ज़रूरत पड़ने पर दे सकता है। इसी ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग हम आज डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि हम बतलाए कि ये जो ट्रांसफर होता है दो रेट पर होता है, आइदर एट कॉस्ट और परचेज प्राइस, दूसरा है एट सेलिंग प्राइस और इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्राइस। इन दोनों परिस्थिति में हम पाते हैं कि एक डिपार्टमेंट के लिए वह सेल का रूप है जो ट्रांसफर करता है, वहीं पर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए लाइक परचेजेस है, क्रय का रूप है, जिसके पास सामान आता है। इस तरीके से आने और जाने के कारण हम देखेंगे अकाउंटिंग में दोनों साइड पर इसका अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा। सबसे पहले किसी एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की जरूरत, अगर कॉस्ट प्राइस पर सामान को ट्रांसफर किया गया है तो एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर प्रॉफिट लेकर के या एट सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किया गया है तो अनसोल्ड स्टॉक के एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग जो होता है, अनसोल्ड स्टॉक जैसा कि आप जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है और ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, दोनों का एडजस्टमेंट अकाउंटिंग टोटल प्रॉफिट जानने के लिए जब जनरल पीएल अकाउंट हम बनाते हैं वहां पे प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे, दिखलाएंगे। सबसे पहले अब हम एक एक करके दोनों के कंडीशन में अकाउंटिंग की जानकारी देंगे। तो उसमें से सबसे पहले व्हेन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉस्ट, अगर लागत में ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंडीशन में, जैसा कि अभी अभी हम बतलाए कि जो ट्रांसफर कर रहा है, जो करने वाला पक्ष है, करने वाला स्टोर है, करने वाला दुकान है डिपार्टमेंटल स्टोर का, उसके लिए लाइक सेल है, और जो जहां पर ट्रांसफर होकर के जा रहा है सामान उसके लिए लाइक परचेजेस है। तो जब सेल है तो सेल में सामान जा रहा है तो अकाउंटिंग का साइड क्रेडिट होगा उस डिपार्टमेंट में जहां से जा रहा है, अमाउंट को शो करेंगे, और जहां पे आ रहा है उसके डेबिट साइड में शो करेंगे उसके अमाउंट्स को। इस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। एक एग्जांपल के रूप में हम इसको और स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग
इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसमें दो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंतर्गत दो डिपार्टमेंट हैं, एक आरके के नाम से है, दूसरा एसके के नाम से है। इसमें ओपनिंग स्टॉक आरके का रुपीज 540 से है, एसके का 360 रुपीज से है। परचेजेस 4,500-3,500 से, क्लोजिंग स्टॉक 500-400 से है। सेल्स 8,000-6,000 से है। अदर एक्सपेंसेस में रेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रुपीज 840-1120, सैलरीज रुपीज 1,000 है। सैलरीज का डिवीजन होना है 6:4 का रेशियो में। द डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स वेयर आर के टू एस के रुपीज 400 एंड एस के टू आर के रुपीज 500। आर के एस के को देता है 400 का सामान और एस के आर के को देता है 500 रुपीज के सामान का ट्रांसफर होता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन है, इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग हमें बनानी है। अकाउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आरके एंड एसके डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली। हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट लॉस को अलग अलग जानने के लिए हम स्टोर अकाउंटिंग बनाएंगे, जिसे हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसमें जैसा कि जानते हैं अकाउंट है तो दो साइड होगा, और पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से डेबिट में, पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से क्रेडिट में कॉलम बनेंगे। दो डिपार्टमेंट है इसलिए अमाउंट्स का कॉलम डेबिट में भी आरके और एसके नाम से डिवाइड हो जाएगा, क्रेडिट में भी। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है, आरके में 540 है, एसके में 360 रुपीज है। फिर परचेजेस डेबिट में लिखा जाता है 4,500-3,500 से है। और फिर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, सबसे पहला ट्रांसफर हम देख रहे हैं आरके से एसके को 400 रुपए का हुआ है, आरके टू एसके रुपीज 400। आरके के पास से सामान जा रहा है इसलिए उसके क्रेडिट में लिखेंगे, आरके के क्रेडिट में लिखेंगे, और एसके के पास आ रहा है इसलिए उसके डेबिट में लिखेंगे। तो 400 रुपीज का ट्रांसफर है आरके टू एसके, और फिर 500 का है एसके टू आरके। एसके के पास से जा रहा है तो एसके क्रेडिट में 500, और आरके के पास आ रहा है इसलिए उसके डेबिट में 500 रुपीज से ट्रांसफर को प्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके बाद का अकाउंटिंग है हमारा सेल्स। सेल्स आप क्रेडिट में जानते हैं लिखा जाता है 8,000-6,000 से है। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है आपका 500-400 रुपीज से। डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की तो अकाउंटिंग बतला दी, इस तरीके से हमारा टोटल आ गया आरके का 8,900, क्रेडिट ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लिए है, और एसके का 6,900। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, 4,360 रुपीज एंड 2,640 रुपीज का डिफरेंस आया है। इसी अकाउंटिंग प्रोसेस को अब हम और आगे बढ़ाते हैं। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हुआ, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किए क्रेडिट में, इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर के हैं जिसमें रेंट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है और सैलरीज है। रेंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस नहीं दिया गया है इसलिए हम इसे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स इसका कारण है कि अनप्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंसेस है और इसका संबंध रिलेशनशिप सेल्स से है, इसीलिए सेल्स का रेशियो यूज करेंगे। सेल्स का रेशियो है 8,000:6,000, मींस 8:6 और 4:3। तो 4:3 का रेशियो से हम रुपीज 840 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो आ गया हमारा 480 and 360। उसी तरीके से 1120 रुपए को हम 4:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारा आ गया 640 and 480। और सैलरीज के डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस दिया हुआ है 6:4, 1000 रुपीज है 6:4 में 600 and 400 रुपीज आ गया। इस तरीके से सब कुछ लिखने के बाद अब हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग फिर जिस साइड में ज़्यादा है क्रेडिट में, क्रेडिट की टोटलिंग किए, और उसी एक्सेस अमाउंट या ज़्यादा वाला टोटल को ही दोनों साइड में लिखते हैं, और डिफरेंस को हम डेबिट में आ रहा है इसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा एट कॉस्ट ट्रांसफर है, कोई एडजस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं होगी, बस उसे ट्रांसफर के रूप में हम अकाउंटिंग प्रेजेंट करेंगे। जिसके पास से जा रहा है लाइक सेल है, क्रेडिट में दिखलाएंगे और गुड्स से रिलेटेड आइटम इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और जिसके पास आ रहा है उसके लिए लाइक परचेजेस इसलिए डेबिट में दिखलाएंगे, ये भी गुड्स से रिलेटेड आइटम है इसलिए डेबिट में दिखलाएंगे। और पीएल अकाउंट में तो आप जानते हैं अनप्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम प्रॉफिट्स को लिखा जाता है,
जो भी इस क्वेश्चन में था हमने प्रेजेंट करके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस हो रहा है, सेलिंग प्राइस में भी हो रहा है, फिर भी सामान तो जा ही रहा है, जा रहा है जिस डिपार्टमेंट से उसके लिए लाइक सेल है क्रेडिट में लिखेंगे, जिसके यहाँ आ रहा है लाइक परचेज है डेबिट में लिखेंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ये तो अकाउंटिंग होनी ही होनी है। कॉस्ट से है तो कॉस्ट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, इनवॉइस से है या सेलिंग प्राइस से है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट है तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट से हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस अगर हम चाहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर का भंडार का पूरा सही सही लाभ जानना चाहते हैं, तो इस प्रॉफिट इंक्लूडेड वैल्यू का हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग शो करेंगे। तो इसमें हम बतलाए भी, इन दिस केस एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी ऑन अनसोल्ड स्टॉक, जो बचा हुआ सामान है उसमें हमारा एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की जरूरत होती है। ये एडजस्टमेंट अकाउंटिंग जो होगा उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, तो एंट्री है अगर क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, जैसा कि बताया जनरल पीएल को प्रभावित करता है, तो क्लोजिंग स्टॉक आइटम हमारा क्रेडिट का है और इसलिए इसका एडजस्टमेंट्स जनरल पीएल का डेबिट में आएगा, तो इसलिए एंट्री बनाए हैं हम जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक आइटम डेबिट का है लेकिन उसका एडजस्टमेंट्स होता है क्रेडिट में, इसलिए एंट्री बनेगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल अकाउंट। इस तरह से अकाउंटिंग करने के बाद अब सवाल है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, किस वैल्यू से हम प्रेजेंट करेंगे, एडजस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा। तो एडजस्टमेंट में हम जस्ट उस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट्स के में उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो हम बेच नहीं पाए सामान बच गया है ट्रांसफर वाला सामान, उसके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हम दिखलाएंगे अनसोल्ड स्टॉक, यानी ओपनिंग है तो ओपनिंग, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग, इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कितने परसेंटेज से वो सामान जो है कॉस्ट में बढ़ाया गया है, इनटू प्रॉफिट, मतलब कहने का है कितना परसेंट सामान जो है वो कॉस्ट से बढ़ाया, कॉस्ट का उसमें इंक्लूडेड है, और इनटू प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से अनरियलाइज्ड अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन में देता है लेकिन करंट ईयर का नहीं देता है, तो करंट ईयर के रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके फार्मूला को भी याद रखना है। करंट ईयर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर। इस तरीके से वैल्यू को हम कैलकुलेट करना सीख गए हैं, उसकी अकाउंटिंग बतला दिए हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम और क्लियर करने जा रहे हैं, जिस जो कि हम एग्जाम्पल नंबर 3 के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। प्रधान हैड टू डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड रेडी क्लॉथ। रेडी क्लॉथ आर मेड बाय द फर्म आउट ऑफ क्लॉथ ऑफ द क्लॉथ डिपार्टमेंट एट इट्स सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। इसमें ओपनिंग स्टॉक है क्लॉथ एंड रेडी क्लॉथ डिपार्टमेंट का 1500, 250, परचेजेस 10,000 एंड रुपीज 75 है, सेल्स 11,000, 2,250 है, ट्रांसफर है 1500 से, ट्रांसफर कर रहा है क्लॉथ से रेडी क्लॉथ में 1500 से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 300 से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 130 है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली क्लॉथ डिपार्टमेंट में तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है, रेडी क्लॉथ में हो रहा है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसका पार्ट है, सेलिंग एक्सपेंस तो दोनों सेल कर रहा है, एक दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरा कस्टमर्स को बेचेगा इसलिए सेलिंग एक्सपेंस 100 रुपीज एंड 30 रुपीज है, क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का है 1300। द स्टॉक इन रेडी क्लॉथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लॉथ एंड 25% एक्सपेंस। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न्ड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 15% इन 2018। जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 550। इस तरीके से इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एल अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स परिधान। नाम है ये डिपार्टमेंटल स्टोर का और बनाने का प्रिपरेशन डेट है 31 दिसंबर 2019।
इसमें कॉलम जैसा कि जानते हैं डेबिट और क्रेडिट में बनेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट्स, अमाउंट्स में दो डिपार्टमेंट है, क्लोथ एंड रेडी क्लोथ, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। सबसे पहला आइटम है हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट का 1500 250, फिर है परचेजेस डेबिट का 10,000 रुपीज 75। नेक्स्ट है ट्रांसफर, ट्रांसफर कर रहा है हमारा क्लोथ डिपार्टमेंट से जा रहा है और आ कर आ रहा है तो रेडी डिपार्टमेंट में, तो रेडी डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है इसलिए रेडी क्लोथ के डिपार्टमेंट में आ रहा है इसलिए लाइक परचेजेस है डेबिट में दिखलाएंगे, और इसी बात को हम ट्रांसफर के रूप में क्रेडिट में शो करेंगे, क्लोथ डिपार्टमेंट से जा रहा है इसलिए बाय ट्रांसफर के नाम से क्रेडिट में शो करेंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेडी डिपार्टमेंट में है, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का 11,000 2,250 रुपीज से दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक 1,300 से दिया हुआ है। इस तरीके से सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग में हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट की टोटलिंग पहले की है, उसी अमाउंट को डेबिट का भी टोटल एज्यूम करेंगे और डिफरेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे जो कि 2,425 आया है। इसके बाद का अकाउंटिंग अब आगे बढ़ेगा पीएल अकाउंट के रूप में। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हम सेलिंग एक्सपेंस दिखला रहे हैं जो कि दिया गया है 100 रुपीज़ और 30 रुपीज़, और फिर और कोई एक्सपेंस तो है नहीं, जनरल एक्सपेंस का संबंध तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस भी नहीं है, और इस कारण से यहाँ पर हम इसके लिए ना सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं साथ ही साथ हम इसमें जनरल पीएल अकाउंट भी बनाएंगे, और इसी कारण से इसका संबंध जनरल पीएल अकाउंट से होगा, जनरल एक्सपेंस को जनरल पीएल अकाउंट में शो करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेलिंग एक्सपेंस लिखने के बाद का जो डिफरेंस आया नेट प्रॉफिट के नाम से रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद का अकाउंटिंग हमारा जनरल पीएल अकाउंट के लिए आगे अकाउंटिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, हेडिंग देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2019, और जनरल पीएल जो है होल डिपार्टमेंटल स्टोर का बनता है, इसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं, इसलिए अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट में एक ही कॉलम होगा। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ला रहे हैं क्लोथ डिपार्टमेंट का भी और रेडी क्लोथ डिपार्टमेंट का भी जो कि आया था 1900 एंड 395। इसके बाद जनरल एक्सपेंस है 550, और अब हम स्टॉक रिजर्व को कैलकुलेट करके शो करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में, जिसका कैलकुलेशन नीचे वर्किंग में अभी हम दिखलाते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक का आपका 25 रुपीज़ 50 पैसे। इस तरीके से इस एडजस्टमेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा टोटल नेट प्रॉफिट मालूम हो गया, लेकिन अब समस्या इसमें रह गई है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग में हम इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं, कैलकुलेशन शो कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, रेडी क्लोथ का निकालना है ना, उसी में से ये ट्रांसफर हो रहा है, एट प्रॉफिट वहाँ पर आ रहा है, इसलिए उसके प्रॉफिट अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो उसका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है ₹250, उसमें 75% हमारा जो है गुड्स से रिलेटेड वैल्यू है, एक्सपेंसेस से तो मतलब है नहीं, तो 75/100 हो गया, और 15% उसमें प्रॉफिट लिया गया है, इसलिए 15/100, तो 250 क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, उसमें नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 75% हमारा गुड्स से रिलेटेड वैल्यू है, 25% एक्सपेंस, इस एक्सपेंस का अनसोल्ड स्टॉक के एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं, एडजस्टमेंट्स तो एक्चुअली हम गुड्स या कॉस्ट गुड्स के वैल्यू का करते हैं जो कि 75% है, तो 250 × 75 × 15/100 × 100 इस तरीके से 28 रुपीज़ 25 पैसा हमारा ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स आया जो कि क्रेडिट में हम प्रेजेंट कर चुके हैं। उसी तरीके से अब डेबिट के लिए, तो डेबिट वाले में लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रीवियस ईयर का तो हमारा रेट दिया हुआ था 15%, करेंट ईयर का रेट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या क्या फार्मूला बतलाया गया है, तो इसमें बतलाया गया है आपको पिछले स्लाइड में भी बतलाए थे हम, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स प्लस ट्रांसफर्स वैल्यू। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा ये 425, अभी पिछले स्लाइड में हमारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट 425 ऑफ रेडी क्लोथ इनटू 100 बाय टोटल सेल्स जो कि दिया गया है 2250 प्लस ट्रांसफर वैल्यू मींस 1500। इस तरीके से कैलकुलेट करने पर हमारा आ गया 11.33%। इस 11.33% से अब हम
क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है रेडी क्लोथ में 300 रुपीज से, तो 300 रुपीज इंटू 75% तो गुड से रिलेटेड वैल्यू है, इंटू 11.33% बाई 100 इंटू 100, इस तरीके से 25.50 रुपीज आ गया हमारा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स, जो कि हम डेबिट में रिकॉर्ड किए हैं, और हमारा इस तरीके से सही सही प्रॉफिट लॉस आ जाता है। इस प्रकार से चाहे एट कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, और एट सेलिंग प्राइस इन अदर वर्ड्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट ट्रांसफर हो, हम दोनों की अकाउंटिंग अब आपके सामने में प्रेजेंट किए हैं विथ एग्जाम्पल एंड देयर सॉल्यूशन, उदाहरण के साथ और उसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को समझाते हुए उदाहरण के साथ उसके सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने में इस वीडियो में प्रेजेंट किए हैं। हमें उम्मीद है बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमारे तरफ से उस कमेंट का जवाब संतोषजनक रूप से प्रेजेंट कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, और इन्हीं कारणों से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो है डिपार्टमेंटल स्टोर से रिलेटेड, कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट का एक कॉमन रेट दे दिया जाता है और यूनिट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे और अदर प्रॉब्लम जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर से बच जाता है, इन्हीं सब को लेकर के हम आगे के वीडियो में जानकारी प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।